वर्ल्ड कप में सुपर एट का तीसरा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो यहाँ पे लेना है बदला। देखते हैं क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है टॉस और वो कर रहे हैं पहले बॉलिंग। विराट इज ओपनिंग विद रोहित शर्मा। बढ़िया पिच लग रही है मेरे को, थोड़ी थोड़ी नहीं है मतलब थोड़ी बहुत घास आए नो, बट ग्रेट शॉट फॉर अ फोर। तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड रेगुलर दिखते तो सब्सक्राइब भी कर ही दो, और अटेंडेंस मार्क करना मत भूलना। तो सुपर एट में मैंने अफगानिस्तान के साथ खेला जो मैं हार गया, बांग्लादेश के साथ खेला वो मैं जीत गया, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ है तो मतलब ये जीतना जरूरी है। नहीं 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 नहीं, अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो कर रहे हो पहले से तो आपको पता होगा कि कौन कौन खेल रहा था। तो मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम वाले से कुलदीप को बाहर निकाल दिया, अक्षर को लेके आए हैं क्योंकि थोड़ी बहुत घास है। तो मैं चाहता हूँ अर्शदीप रहे, बुमराह रहे, हार्दिक रहे और मैं रहूँ, चार बॉलर हो गए फास्ट। बाकी अक्षर और जडेजा जितनी बॉलिंग करना चाहें वो। ओके वील गेट हाउ मच, नॉट मच, टू, वेरी बैड इंग्लिश, हेलो। एंड मेरा प्लेयर फॉर अ चेंज अच्छा खेला था बांग्लादेश के अगेंस्ट, अच्छा खेला नहीं था, अच्छी बैटिंग करी थी क्योंकि बॉलिंग तो बहुत ही बेकार करी थी। एक ओवर में 28 खाए थे उसने। और ये पैट कमिंस को बहुत रन मारने का मन कर रहा है लेकिन थोड़ा सोच समझ के खेल रहा हूँ। ओके गुड शॉट अगेन, बैकफुट पंच, ये तो चौका होना चाहिए। पहले ओवर में 10 रन है, रोहित शर्मा आ रहा है बैटिंग पे, सामने है हेजलवुड। यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि पार स्कोर 200 के ऊपर ही होगा वैसे तो 210 से 220 में अगर हम बनाना चाहे बीच में तो बढ़िया रहेगा। नहीं दूसरा नहीं भाग रहा, रन आउट करना चाह रहा है ना, तो नहीं करने दूंगा। पुल करा है जस्ट फॉर अ सिंगल। अरे नहीं यार, और असली में ये मैच होगा डेरेन सैमी स्टेडियम में और मैं भी वही यूज़ कर रहा हूँ, और ये गेम ने खुद ही बना रखा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई ढूंढने में या बनाने में। वैसे बनाता तो मैं हूँ नहीं लेकिन ढूंढने में दिक्कत नहीं हुई। तीन बॉलों पे एक रन है रोहित शर्मा, एंड बैकफुट पे इट्स अ फोर। जितना मेरे को समझ आया जो सामने की बाउंड्रीज है ना वो थोड़ी बड़ी हैं तो थोड़ा उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। दो ओवर में 16 रन, गुड शॉट, इट्स अ सिक्स, सीधा बाउंड्री पे जाके लगी है यार, देखना तुम भी, तो बहुत बढ़िया यार। नो ये मैच देखते हो ना एक चीज विजुअलाइज करना, वो जो वर्ल्ड कप आ रहे थे ना हम 23 में, बस वही। अरे मैं भूल गया इस पिच में ना थोड़ा बाउंस भी है, और ये बताना भी भूल गया मैं तुमको यार, उस साइड की तो यार सामने की बाउंड्री वो थी बड़ी, ये छोटी लग रही है। ये स्टेडियम में डायमेंशन मेरे को समझ नहीं आया थोड़े थोड़े भाई। एक और सिक्स, ठीक है विराट। देखो मैं तो बहुत ज्यादा तेज खेलने की कोशिश भी नहीं कर रहा तब भी रन लग रहे हैं। ओके दो रन आने चाहिए, स्क्वायर लेग खेला है, नहीं दो नहीं आ सकते। और एक ना बहुत बढ़िया मैचअप हो सकता है इस मैच के अंदर ना, वो है मिच मार्श और मेरे प्लेयर का। इट इज गोइंग टू बी फन अगर वो हो जाए ना। अगर आपको चाहिए बहुत बढ़िया ऑड्स, एक बढ़िया यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म जिस पे वैरायटी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो और जो तुमको बहुत बढ़िया बोनस दे पहली बार साइन अप करने पे, तो मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जो है 1xbet। बढ़िया ऑड्स है, यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है जो आपको 120% बोनस देगा अप टू 66,000 rupees। आ जाओ साइन अप कैसे करना है बताता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पे जाओ, ऐसी वेबसाइट खुलेगी, देन यहाँ पे फोन नंबर डाल दो, प्रोमो कोड डालो और साइन अप कर लो। याद रखना बोनस तभी मिलेगा जब प्रोमो कोड डालोगे। हेजलवुड के पिछले ओवर में सिर्फ कितना आए थे 6 रन। मेरे को तो लग रहा है साउथ अफ्रीका अपना पहला मैच ना वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल ही हारेगी या फिर फाइनल। वैसे सेमीफाइनल तो नहीं हारेगी वो, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर हम सेमीफाइनल में उनके अगेंस्ट हो गए तो फिर दिक्कत हो सकती है। चलो कोई नहीं, मैं तो वैसे भी बिना सोचे समझे बोलता हूँ तो मेरी बात तो थोड़ा समझ रहे हो, ध्यान मत देना। विराट कोहली 15 बॉलों पे 30 रन, और वो विराट कोहली आउट होते हुए यार इतना बढ़िया खेल रहा था, मेरे को ना बॉल मतलब खेलते ही समझ आ गया था मैं आउट हूँ। कोई नहीं भाई कोई नहीं, ऋषभ पंत आते हुए चलो कम से कम बॉल वेस्ट नहीं करी विच इज गुड। हमारे पास वैसे भी एक एक्स्ट्रा बैट्समैन है आज इन अक्सर, तो हम थोड़ा ऑल इन जा सकते हैं ऐसे। अरे यार अबे पंत को थोड़ी ऐसी बॉल डालेगा तू। हाँ देखो ये वाली बाउंड्री ना सीधी थोड़ी अजीब सी है, अजीब सी मतलब बड़ी है, दूसरी साइड वाली इतनी बड़ी नहीं थी। अरे ये भी तो है, ये कैसे भूल जाता हूँ मैं। सुन भाई तेरे को एक बात बता दूँ, तू मार बाउंसर मैं मारूंगा सिक्स। कोई नहीं फ्लिक भी कर सकते हैं, इट्स अ फोर। यार पुल करने की कोशिश करी, सिक्स तो नहीं क्या बट फोर फॉर श्योर। देखो इनके पास वैसे बहुत ज्यादा स्पिनर है नहीं ऑस्ट्रेलिया के पास, लेकिन एक जैम्प है वो ही कम नहीं है, और ये उसके बाद मैक्सवेल से भी बॉलिंग करवा देते हैं। अरे यार बैकफुट पे खेलना चाहिए था, मैं भूल गया ज़्यादा बाउंस है।
थोड़ी कम बाउंस वाली पिच पे खेल रहा हूँ ना लेटली मैं। इट्स ओके गाइज, इट्स ओके, कोई नहीं। लो पुल भी कर दिया एक, बहुत बढ़िया। इट्स अ फोर यार, पुल पे ना सिक्स नहीं आ रहा रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ने भी अपनी स्ट्राइक रेट वैसे सही कर ली है। अबे यार ये नहीं करना था, ग्लांस टाइप करना था यार। चलो कोई नहीं, पंत भाई पार प्ले में बहुत रन आ गए, थोड़ा तमीज से। ओके कोई नहीं कोई नहीं। नो भाई शॉर्ट मिड विकेट पे कैच थी पक्का, अच्छी बात है शॉर्ट मिड विकेट थी नहीं। ओके इट्स अ फोर। मैं एक सेकंड के लिए डर गया था, और ये पंत को तो कोई नहीं रोक सकता, मैंने देखा है उसको जब जो खेलना होता है वो खेलता ही है वो। अरे चलो कोई नहीं, आउट तो नहीं हुए ना बस। पंत आठ बॉलों पे कितना हो गया, 14 रन विद द सिक्स, 63 ऑफ द पार प्ले, विकेट एक गई है। ये 63 से मुझे कुछ याद आ रहा है, बस क्या याद आ रहा है मुझे ये नहीं पता यार, थोड़ा भुलक्कड़ सा हूँ मैं। ये तो एच पी चौका मिल गया रोहित शर्मा को, विच इज गुड। वाइल्ड शुड यू वाइल्ड, अगले कुछ ओवर ना वो है बहुत ज़रूरी। अब बता दो कैसे, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा रन मारने जाएंगे तो हो जाएंगे आउट। तो थोड़ा तमीज से खेलना है और कोशिश करने की 200 से 220 पुश हो सके, क्योंकि यहाँ से लग रहा है 200 तो बन ही जाएंगे। अब 220 के लिए कैसे पुश करना है ये सोचना पड़ेगा, वो भी तमीज से। मेरी बात कभी कभी इलॉजिकल लगे ना तो समझ जाया करो मैं इलॉजिकल आदमी हूँ, क्योंकि वो सच है, मैं ऐसी फालतू बातें करता ही रहता हूँ। अरे अबे ओए इतना बढ़िया शॉट खेला था, हटाओ यार इसको वहां से। ओवर में अभी तक 6 रन आए, 10 हो जाते यार। चलो अबे यार कोई नहीं, 6 रन ही है, 7 हो जाएंगे। चलो 70 हो गए 7 ओवर में। जैम्पा आते हुए, जैम्पा को मैं मारूंगा बहुत ज्यादा रन, वो भी ऐसे। इट्स अ 4 यार, देखो इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है तो 220 का ट्राई तो कर ही सकते हैं। और चौका हुए हल, अबे बचा कैसे। ठीक है यार खुश रह शार, तू जा। वाइल्ड शुड बी अवॉइड, ये तो बेकार शॉट खेल के ना वाइल्ड ले ली मैंने फ्री में। कैन वी गेट अ 4, यस वी कैन ट्राई, यस इट्स 4। मेरे को लग रहा है एग्जाम्पल पहला स्पिनर होगा जिसको पे लूंगा मैं। वाइल्ड अगेन, अबे ये कैसी गूगली है। हेलो भाई पहले ओवर में ही 12 मार दिए। नो 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 भाई नहीं पेल रहा भाई, सॉरी यार जैम्पा ब्रदर, बेकार बॉल आएगी मैं मारूंगा, मैंने पहले बोला था। पता हूँ जैम्पा को पुल कर दिया रोहित शर्मा ने 4/6 भाई। 50 पार्टनरशिप रोहित और पंत की। नो चलो ठीक है यार, 19 रन आए जैम्पा के ओवर में, वी आर ओके विद दैट। और ये मुंह पे बॉल मारी है, वापस मारूंगा मैं चिंता मत कर। ग्रीन आते हुए ओके वील टेक अ सिंगल फर्स्ट बॉल, 90 हो गए 8.1 ओवर्स में। एट दिस पॉइंट रोहित शर्मा की ज्यादा बेटर स्ट्राइक रेट है पंत से, एंड को एक सिंगल ले सकते हैं हम। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं ये अच्छा कैसे खेल गया हूं। इट्स अ 6 अगेन, बस ऋषभ पंत अब पूरा वर्ल्ड कप ऐसे खेल जाए ना मजा आ जाएगा। अरे वाइल्ड अवे, हेलो वाइल्ड, मे बी इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड और मुझे अभी तक ये पता ही नहीं है, और वो मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो रहा है। देखो 15 मार चुका हूं मैं ग्रीन को, और नहीं मारना चाहूंगा, मतलब सिंगल आएगा तो ले लूंगा। सिंगल भी नहीं लेने दिया रोहित ने ना भाई, पैर खुल लेता। 104 हो चुके 9 ओवर में, विकेट एक गई है, और जैम्पा इज बैक फॉर हिज नेक्स्ट ओवर। अब देखो रोहित शर्मा एक जगह पे अटका हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि रोहित शर्मा अटका रहे। ओए होए हेलो 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 यार, इसको मैं पुल करना चाहता था लेकिन वो हुआ नहीं। ओके ये जो भी खेला है इस पे आउट हो सकता है पंत, और वो होगा। मैंने बोला तो रोहित शर्मा को खेलना देना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पंत को आउट करवा दूं। लेट्स गेट दुबे नाउ, पहली बॉल पर आते ही उसने कवर्स के ऊपर से मारा है पर 4। देखो बड़े टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मौज मस्ती हो रही है, इसलिए वो रुकनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। 110 हो गए हैं, 111 हो जाएंगे जो कि मेरा जर्सी नंबर है। इसका मतलब इतने रन पर रोहित शर्मा आउट होगा क्या, क्योंकि अगला बैट्समैन मैं हूँ। मतलब अगर रोहित आउट हुआ तो मैं आऊँगा, दुबे आउट हुआ तो वी हैव अक्सर एंड जडेजा। नहीं 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 भाई, मैं उल्टा बोलता ही क्यों, वो तो अभी रोहित का पता चल जाएगा। नहीं नहीं 111 पे रोहित आउट तो नहीं हुआ,
ये अच्छी बात है। और एक चौका अलग मार दिया, 115 हो गए। अरे नहीं यार, एक तो यार बाउंस बहुत ज़्यादा है। तुमको लगता होगा क्या बकवास कर रहा है यार ये बाउंस बहुत ज़्यादा है ये सब। भाई कभी कभी ना गेम में ये चीज़ें मैटर करती हैं। जो मोबाइल पे खेलता होगा उसे समझ नहीं आ रहा होगा मे बी, बट जो पीसी पे खेलता है उनको पता होगा, क्योंकि ये चीज़ें मैटर तो करती हैं। अरे जैसे कि मैं यहाँ पे टाइमिंग नहीं कर पाया, और मैं यहाँ पे खेलना भी नहीं चाह रहा था, मैं तो मिड विकेट खेलना चाह रहा था। दुबे यहाँ पर भी बहुत बढ़िया इनिंग्स खेलते हुए, 4 बॉल पर 6 रन। लेट्स गेट जडेजा नाउ देन। ओके आते ही पुल करे, गैप में गई है लेकिन चौका तो नहीं आएगा। 2 रन भी नहीं आ रहे, अब रनआउट मत हो। पिछले 2 ओवर में ज़्यादा रन भी नहीं आए हैं और विकेट भी 2 गई हैं। मतलब पिछले 2 ओवर में कितने रन हुए, 7 और 7 14 रन और 2 विकेट। तो रोहित इसी बात पे एक चौका हो जाए बढ़िया। रोहित वाज लाइक ओके आई विल हिट अ 6। लाइक आई सेड, मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। नो अब जैम्पा भी अपनी फॉर्म में आ रहा है धीरे धीरे ना। और एक और विकेट जाएगी कि नहीं जाएगी, वैसे जाएगी कि तो नहीं। और चौका, मैं फंबल मार देता यार कभी कभी बोलते बोलते ना। और सिंगल, चौका मारा सिंगल। लो वेरी गुड जडेजा, रियल में भी करो ये, यहाँ पे तो गेम में मैं करवा रहा हूँ। रोहित की भी 50 हो सकती है। वैसे जो मैं बोलने वाला था, अच्छी बात है मैं रुक गया। मैं बोलने वाला था रोहित की 100 का ट्राई करवाए क्या। वैसे मैं आजकल स्ट्रीम भी कर रहा हूँ, और वो स्ट्रीम में मैंने अफगानिस्तान के साथ मैच खेला था, उसमें मैं ऐसी स्पिनर पे आउट हो रहा था और क्या। कोई नहीं भाई, अक्सर को थोड़ी देर बाद के लिए रखते हैं लेफ्ट हैंडर को ना, शायद बाद में काम आ जाए। तब तक ये मोटे से काम चला लेंगे। सिंगल ले ले भाई। अरे नहीं 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 भाई, मैंने एग्जैक्टली एक ऐसी शॉट बनाई थी पता है, जिसके अंदर एग्जैक्टली ऐसी शॉट लगा था और मैं भाग भी लिया था यहाँ पे। तो चलो वापस चला गया मैं, क्योंकि वहाँ पे ना ऐसे भाग भी लिया मैं, विकेट कीपर ऐसे ही आया और विराट कोहली को रनआउट कर दिया। मैं रोहित शर्मा को भी रनआउट करवा देता, लेकिन मैंने बोला छोड़ो। बच गए। इतनी गंदी टाइमिंग। वैसे हार्दिक पड़ा और जडेजा पड़ा है, नहीं हार्दिक और अक्सर पड़े अभी सिर्फ, और हम दोनों नहीं। वैसे सूर्य कुमार भी है, यस अभी है बैटिंग काफ़ी लंबी भाई अपनी। रोहित करवा लो भाई अपनी 50। यस 4 मोर, गुड शॉट यार। ये शॉट नहीं खेला था मैंने, गेम फिक्स दिस। वैसे इतने प्यार से मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, बोल के थक चुके हैं। एंड इट्स अ 4 अगेन, 140 हो गए 13 ओवर में। वी नीड 220 कम से कम एक अच्छे स्कोर के लिए। तो अगले 7 ओवर में 80 रन, 50 हो गई रोहित की। 4 बॉल पर 2 रन यार, मैं तो बहुत तेज खेल रहा हूँ। 5 बॉल पर 2 रन, कभी ऐसा किसी को खेलते हुए देखा है तुमने? गुड शॉट एंड इट्स अ 6 भाई, फाइनली कुछ रन मार पाया मैं। और एक सिंगल भाई, रोहित से सही में 100 करवा दे क्या आज हम? बहुत बढ़िया। और अबे लंबी बाउंड्री यार, वहां होगी सेंचुरी, बहुत बढ़िया। आज हो गए सूर्य कुमार यादव, आ जाओ हार्दिक भाई तुम भी आ जाओ। ये स्पिनर को कबाड़ा करके ही जाना होता है भाई। हार्दिक आते हुए अब बनेंगे ना 6 ओवर में 70। बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मजा आ गया देख के। वाइल्ड शुड बी अ वाइल्ड भाई, अब तो लग रहा है ये मैच हारने ही वाले हैं। और बैकफुट पर खेला है मैंने, इट्स अ 6। मैं तो रन मारूंगा या आउट हो जाऊंगा भाई, क्योंकि इसके बाद है अक्सर। अगर बाई चांस मैं आउट हुआ तो फिर अक्सर और हार्दिक संभाल लेंगे अपने आप, हम अपना देखते हैं अभी। अबे कोई नहीं यार, अबे 21 हूं मैं और आउट नहीं होने वाला मैं। गुड शॉट। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जितने रन मार रहा हूं उससे डबल में खा के जाऊंगा। बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही तो बस बात बोलनी थी हमें। हार्दिक भाई आपके लिए तो 5वां फील्डर है भी नहीं अंदर, उड़ा दो मस्त। उड़ाया तो था, बस वो हाथ में नहीं है बैट कमिंस के। मिच मार्श और सामने मैं हूँ। रुक जा मेरे को ना स्टेमिना रीगेन करने दे एक बॉल पे, फिर बताऊंगा तेरे को। यार इसने मेरे लिए ना बहुत गलत फील्ड रखी है, मैं मार भी नहीं सकता कहीं पर।
चलो यहाँ पे तो मार ही सकता हूँ, इट्स अ फोर भाई मेरे सामने, इसको क्यों ले आया, मैं आउट हो जाऊंगा। चलो ठीक है ये भी कर सकता हूँ मैं, दो रन तो आ ही जाएंगे, तीन भाग लो। चलो चौका है, देखो यहाँ से 50 रन लगने तो ईजी है मेरे हिसाब से, लग सकते हैं, तो वही ट्राई करने वाला हूँ मैं। इट वॉज अ स्लोअर वन, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने अच्छी बात है मारने नहीं किया, मैंने सिंगल ले लिया क्योंकि मेरे को पता था मैं इसकी बॉलिंग पे आउट हो सकता हूँ, मैंने बोला निकल लो यहाँ से। दो चौके मारे, ईगो बूस्ट मिल गया, बहुत बढ़िया। तीसरा चौका हार्दिक ने मार दिया, गुड। चलो वो भी एक सिंगल ले लेगा, 179 इन 16 ओवर्स, आखिरी के चार ओवर में 40 बनने तो बनते ही हैं। ओके वील गेट अ सिंगल, इन्होंने फील्ड बहुत अच्छी लगा रखी है, सही बताओ तो। ये शायद सामने ना लंबी फील्ड है, अभी सामने तो वैसे भी ना ही खेलूं, और ये क्या फील्ड है, हेलो, मैं तो वैसे भी कहीं नहीं मार सकता अभी। भाई जी डिफेंस करो और सिंगल ले ले, कुछ भी कर। ओके ये भी चलता ही है, मेरे प्लेयर का ना स्टैमिना खत्म हो गया। चलो दब भी 200 की स्ट्राइक रेट है हमारी। चलो आउट होते हुए, नहीं आउट होते हुए, बहुत बढ़िया। समझ नहीं आ रहा अपने प्लेयर से दो बॉल डिफेंस करवाऊं कि ना करवाऊं। ओके इट्स अ सिंगल, इस ओवर में कितने रन आ गए, लेट मी चेक, 7 रन आए हैं सिर्फ अभी तक। देखो डिफेंस कर दिया ना तो अगले ओवर में कुछ रन मार पाऊंगा, ये बढ़िया बात है। एक सिंगल ले लो बस, बहुत बढ़िया। देखो एक रन भी ले लिया, डिफेंस भी हो गया। अबे ये दोबारा भाई हेजलवुड लेके आओ, पैट कमिंस लेके आओ, मिच मार्श, परफेक्टली टाइम। चलो चौक आया, डिफेंस करके सिंगल ले लूंगे दोबारा मैं, क्या बोलते हो। ऐसे मैं मारना नहीं चाहता था, ये गलती से लग गया। नहीं 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 दो रन नहीं भाग सकता हार्दिक, पेट देख ले मेरा, कोई नहीं दूसरी साइड हार्दिक है वो रन मारेगा। चलो कम से कम मैं कोशिश करते हुए आउट हुआ तो कोई नहीं, अब तो वैसे भी 2 ओवर रहते हैं, अक्सर आ जाएगा, और 200 रन तो लग ही गए हैं, अब 230 का ट्राई कर लेंगे अगर आउट नहीं हुआ तो। हाँ जी 199 पे 6 हैं, लो परफेक्टली आउट होते हुए 46 पे, 50 भी नहीं होने दी। कोई नहीं मिच मार्श बेटे, अक्सर आते हुए आएगी बेटा, बॉलिंग आएगी मेरी। अबे कोई नहीं अक्सर, इट्स ओके, 2 ओवर है, 6 छक्के मार दो, मजा आ जाएगा, एक तो लग गया। चलो हार्दिक वेरी गुड भाई, ये गेम में कुछ तो सीखना है, 140 मीटर का सिक्स कैसे हो सकता है ये, इट्स अ वाइड। चलो एक बॉल पे 7 रन दे रहा है, थाला फॉर अ रीजन, वी नीड 20 मोर कम से कम ना। चलो जी अक्सर को मारने पड़ेंगे वो रन, अर्शदीप आते हुए, ओके अ सिंगल, गुड वर्क, 207 हो गए हैं, 220 टारगेट के लिए ना 2 सिक्स भी लग जाए तो काम हो जाएगा, एक तो लग सकता है और लग जाएगा, वेरी गुड। एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिलाने के फायदे, 217 हो गए, अब सिंगल ले लूंगा ना मैं तो मजा आ जाएगा, ले ले भाई सिंगल ले ले। नो यार अर्दीप को सिंगल लेना पड़ेगा अब भाई, ये स्कैमर से आखिरी ओवर क्यों करवा रहे हो, स्लो डालते एक तो ये, क्विक सिंगल, कोई नहीं कोई नहीं, मैं भाग ही नहीं रहा, नहीं भाग सकते इस पे, 4 बॉलों पे 1 सिक्स लग जाए 225 का टारगेट डन, और 2 सिक्स लग जाए तो 231 का टारगेट डन। अब इस स्कैमर कहीं के ये नहीं मारने देगा रन, मैं बता रहा तुमको। चलो विराट कोहली वाला शॉट, 225 का टारगेट तो कंप्लीट, मार दे भाई मार दे, एक और मार दे, मैं तो बोलता ही हूँ, बम्बॉल बम्बॉल गुड, और क्या खेला है सीधा। अबे एग्जैक्टली 225 बने, पता है एग्जैक्टली 225, आखिरी ओवर में सिर्फ 8 रन, बैड। वार्नर और ट्रेविस हेड आ रहे ओपनिंग करने के लिए, अपने पास है अर्शदीप, और हमको लेने पड़ेंगे क्या स्टार्टिंग में विकेट्स, क्योंकि पिच पे घास है। पहली बॉल पे वार्नर मारते हुए चौका, एस्ट एंड सिंगल, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, 11 पर ओवर मारने उनको तो फिर ऐसे तो खेलना ही पड़ेगा ना। हाँ करो करो सिंगल सिंगल लो, एजी लगवाओ तुम तो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो ना कराओ तो कर लेना, अच्छा लगेगा गाइस।
और हो सके तो शेयर भी कर देना जिसको ये वीडियो पसंद आ सकती है उसके साथ। एंड इट्स अ 4, इट्स ओके। भाई अब मुझे लग रहा है 10-15 रन हमने कम तो नहीं मार दिए। हाँ भाई तू उधर ही खेल, तू उधर ही खेल भाई, जडेजा के पास घुस जा। बुमराह आते हुए, बुमराह ही ले सकता है इनमें से किसी की विकेट। और मैंने ना एक ओजी सीरीज खेली थी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मतलब 2004 की थी शायद वो, उसकी वीडियो का लिंक मैं भेज दूंगा, बोल रहा हूँ एंड स्क्रीन पर डाल दूंगा, एंड में जाके देख लेना। अबे मतलब भेज दूंगा कैसे बोल दिया मैंने, मतलब इधर उधर हो जाता है कभी कभी, समझ जाया करो। अ गुड बॉलिंग बुमराह, देख एक आउट स्विंगर एज लगेगा और मेरा प्लेयर स्लिप पे है वो कैच कर लेगा, ठीक है। अबे यार मैं अपने ऊपर हंसू भी तो कैसे हंसू, मेरे को ये बताओ, मतलब वो दूसरी तरफ की स्लिप में था भाई, लेग स्लिप पे लगाता तो कैच हो जाती, समझ रहे हो। चलो कोई नहीं, दुबे भाई बॉल पकड़ लो, थैंक यू। वैसे भी ऑस्ट्रेलिया ने ना एक सही काम करा, सिर्फ जैम्पा से बॉलिंग करवाई। चलो जो भी है, ट्रेविस हेड आउट होते हुए, ज्यादा लकी हो रहा था ना, हो जा भाई अब लकी। क्या हुआ, हर्षदीप इज बैक फॉर हिज सेकंड ओवर नाउ, और चौका मार दिया वार्नर ने, गुड शॉट यार। एक बाउंसर का ट्राई करूं, करना तो नहीं चाहिए था ट्राई मेरे को ऐसा लग रहा है। चौका है क्या, नहीं भाई, ये शॉट खेलते कैसे मेरे को आज तक समझ नहीं आया, किसी को पता है तो बताना। ओके पीछे मारा फॉर अ सिंगल, अरे भाई बॉल पकड़ लो यार, कोई बॉल ही नहीं पकड़ रहा तुम में से। एक बढ़िया इन स्विंगर, हाँ हाँ मार्श, ज्यादा हीरो बन रहा था ना तू, रुक। एक स्लोअर कटर पे चौका लगने वाला है अभी, 27 पे 1, अरे कैच यार, काश थोड़ी पीछे फील्डर खड़ा करा होता, चलो कोई नहीं, लेकिन चौका बचा लिया बहुत बढ़िया। 3 ओवर में 30 बन गए इनके यार, बुमराह को एक ओवर ना मैं दे ही देता हूँ, शायद गलती से विकेट निकाल ले यार वो, समझ रहे हो, गलती से तो नहीं मतलब वो विकेट निकाल ही लेता है, लेकिन ऐसे एज लग रहे हैं ना उसकी बॉलिंग पे, मतलब ये मिच मार्श ऑस्ट्रेलिया के लिए रन मार दे, दिल्ली के लिए तो मारता नहीं, और मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की टीम से इतनी दूर हो जाए कि मैं क्या बताऊँ। बॉलिंग बहुत बढ़िया बॉलिंग, बस ऐसी तो बॉलिंग चाहिए जिस पे आउट हो जाए, एग्जैक्टली यही। बुमराह तो गेम में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग करता है यार, मैंने बोला ही है तुमको, टोल्ड यू मैन, टोल्ड यू। ये दोनों नकली ऑलराउंडर खेलने आते हुए, मतलब दोनों खेल ही रहे अभी नकली ऑलराउंडर, अबे चौका मारेगा तू। देखो दोनों ओपनिंग बैट्समैन हमने निकाल दिए, दोनों लेफ्टी थे, तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब अक्सर ये जडेजा बॉलिंग कर सकता है, बहुत बढ़िया। 33 in 4 overs, लेकिन 2 विकेट चली गई हैं। अच्छा भाई अक्सर, ये तो टेस्ट मैच वाली फील्ड लगा रखी है ऐसा लग रहा है, ए है ज्यादा हीरो बनेगा। अबे यार ये तो अच्छा शॉट खेल दिया इसने, इट्स अ 4। अगला ओवर जडेजा से करवा लूंगा। ए बॉलिंग अक्सर, पावर प्ले में 1-2 चौके आ जाए ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कैच कैच कैच, चल कोई नहीं, बॉलिंग बहुत बढ़िया, लेट्स गेट जडेजा नाउ, देखते वो भी क्या करता है। वो आती पहली बॉल पे स्लॉक स्वीप हो जाएगा चौके के लिए। ये मार्श और ग्रीन ने अपना टाइम तो ले लिया और उसके बाद अब ये रन मार रहा है। भाई ये दोनों ऑलराउंडर को स्कैमर बोल के मैंने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है मेरे को। देख जडेजा वो स्लिप लगी हुई, स्लिप वहां पे खड़ा हूं मैं, वहां पे एज लगवा के विकेट दिलवा दे, चल कोई नहीं, शायद इस पे बोल्ड हो जाए। मैं ज्यादा ही अच्छा नहीं सोचने लग गया हूं, कोई नहीं कोई नहीं, अरे चौका, अबे बाउंड्री पे पैर लग गया। देखो अब इस गेम के बारे में हम कुछ कह तो नहीं सकते, चलो ठीक है, इस पे भी रन लग सकते थे लेकिन नहीं लगे। 6 ओवर में 50 पे 2, देखो मैंने एक स्लिप लगा रखी है अभी भी कि शायद विकेट मिल जाए, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि लगानी नहीं चाहिए, कोई नहीं देखते हैं। अक्सर और जडेजा के ओवर खत्म होने वाले अभी, क्योंकि 2-2 ओवर में उनसे करवाऊंगा, फिर अगले 8 ओवर पता है किसके हैं, मेरे और हार्दिक के, मतलब ऐसा कुछ पक्का प्लान नहीं है, बीच में चेंज भी हो सकता है। अरे एज मैंने सही करा भाई लगा के, ये अक्सर बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहा है।
एज अगेन ये मार्श भाई, तू ना ऐसी खेल, मैं चाहता तू ऐसी खेल ताकि तेरी टीम हारे फिर। कैच, बम बॉल है बम बॉल। चलो जडेजा इज बैक फॉर हिज नेक्स्ट या कह सकते हैं लास्ट ओवर। क्या बैटिंग कर रही है यार ऑस्ट्रेलिया ना, 13 ओवर में 170 चाहिए उनको। चलो कुछ तो रन मारने गए वो, इट्स अ 4। मतलब मैं तो बोलता हूँ भाई ये 100 रन से हारे, लेकिन वो तो दिखे, इंटेंट तो दिखे थोड़ा इनका। बाकी इंटेंट दिखाएंगे तभी आउट होंगे ना, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियंस का भरोसा नहीं भाई, एंड में रन मारने जाओ और मार दे। इस ओवर में सिर्फ 6 रन है विच इज गुड। ओ कैच, बम बॉल है दोबारा। ऋषभ पंत को क्या हुआ है लेकिन। चलो भाई मैं आता हुआ, ग्रीन तू ना सिंगल ले ले इस बॉल पे, मिच मार्श को आने दे ताकि मैं उसको आउट कर पाऊँ। ले लिया ना सिंगल, बहुत बढ़िया। अब ऐसी रहे, अब बस मिच मार्श को आउट कर रहे हैं भाई। वो इतनी देर से शांत बैठा हुआ था, उससे रन नहीं लग रहे थे मेरी। दिस इज कॉल्ड किस्मत खराब, ठीक है। कैच, कैच हो सकती है, हेलो। ओके जी, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। ये मिच मार्श के साथ ना 1v1 करना पड़ेगा एक, बहुत बढ़िया। चलो ओवर में आए 13 रन, उनको उतने ही चाहिए वैसे। ओवर में आते हुए 17 रन, उन्हें कितने चाहिए पता नहीं। मतलब 13.5 की रिक्वायर्ड रन रेट है विच इज गेटेबल इन माई ओपिनियन, लेकिन अगर मैं ऐसे बॉलिंग करता रहा तो पक्का निकलेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छे ओवर। अब हार्दिक को ही अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, वही मेरे साथ बॉलिंग करेगा ना। सूर्य कुमार भाई गुड फील्डिंग यार। ये दोनों स्कैम ऑलराउंडर्स की हो गई है क्या, हाफ सेंचुरी पार्टनरशिप। एज, अरे यार 62 पे 145 चाहिए, 144 चाहिए, मतलब 14 रन पर ओवर चाहिए होंगे इनको अभी। यार बुमराह का एक ओवर ना मैं वेस्ट नहीं करवाना चाहता अभी बस, नहीं तो बुमराह का एक ओवर करवा दूं मैं। चल भाई 17 रन खाए तूने, इस ओवर में मत खाइयो। चलो गुड गुड गुड। अच्छा मिच मार्श भी तो नहीं है ना स्ट्राइक पे, लेकिन ये 14.5 रन कैसे मारेंगे। ठीक है, आई एम नॉट आस्किंग दैट क्वेश्चन अगेन। भाई तू ना थोड़ी देर के लिए थम जा, मैं इससे बॉलिंग नहीं करवाऊंगा अभी, मैं समझ चुका हूँ। एक स्लोअर वन, अरे बढ़िया बॉलिंग। हमारे इस टाइम पे 110 थे, हमारे भी बहुत ज़्यादा तो नहीं थे। चलो बढ़िया मिच मार्श, ऐसे ही ना तमीज़ में रहकर, और यही तमीज़ ग्रीन ने भी सीख ली, बहुत बढ़िया। अरे जडेजा यार, हेलो, दे देना एक्स्ट्रा रन। कोई नहीं, मेरी तो बॉलिंग है, दे दो एक्स्ट्रा रन, क्या जाता है। ओके, अ शॉर्ट बॉल, अ सिंगल, मैं बुमराह से करवाऊंगा मेरे को लग रहा है बीच में को, वरना वो भागो भागो यार। कोई नहीं, बहुत बढ़िया पुल शॉट, पूरा 4 नहीं है, बहुत बढ़िया, जस्ट सिंगल, और ये आउट हो सकता है फाइनली भाई। कैच तो पकड़ ले कम से कम मार्श की। चलो मेरे प्लेयर ने मार्श की कैच कर ली, यही बहुत बड़ी बात है, कहीं पे तो इन्वॉल्व हुआ मैं। मैक्सवेल आते हुए अ सिंगल फर्स्ट बॉल, 129 इन 48 बॉल्स। आई एम गेटिंग बुमराह फॉर अ ओवर, शायद कुछ बढ़िया काम कर जाए यार। मेरे को लग रहा है ये बुमराह के ओवर के बाद रन मारना शुरू करेंगे, मे बी इसी ओवर से चौका। इनकी रिक्वायर्ड रन रेट तो 18 पर पहुंचने वाली है, तो इसी बात पे ग्योर का ट्राई कर लेते हैं फिर, है ना, जिसपे एक सिंगल ही आएगा। 13 ओवर हो गए, 105 मारे सिर्फ इन्होंने, मेरा प्लेयर भी वापस आते हुए। भाई ये क्या खेला है मिड विकेट पे ग्रीन, आई डोंट नो, बट चौका नहीं जाएगा। बॉलिंग यार, मैं अच्छी बॉलिंग करने लग गया हूं, बताओ भाई। स्क्वायर लेग पे खेला है, इट्स अ 6। मैं तो बोल रहा हूँ ओवर में 1 6 आ जाना तो दिक्कत नहीं, बस 3 नहीं मारने, रिमेंबर। आई विल गो फॉर अ स्लोअर वन। अरे गुड बॉलिंग, मेरे को तो नहीं लगता अब ये जीत पाएंगे। 6 ओवर में 120 मारने, ऑलमोस्ट अराउंड 20 रन पर ओवर, और यहीं पे शायद मैच चेंज हो रहा है मेरे को लग रहा है अब। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे 1 6 तो मार ले भाई तू, क्या दिक्कत, मार मार। मैं बोलता हूँ अभी एक और मार ले जा, तब भी कुछ नहीं हो पाएगा ये, मतलब सीरियसली मत लेके जाओ। वैसे पता है एक बारी शायद मुंबई ने बनाए थे 5 ओवर में 100 रन, शायद यहाँ पे नहीं होना चाहिए बस वो।
वो 100 रन ही चाहिए। यॉर्कर ही डाल लूँ भाई, इट्स अ विकेट, इट कैन बी अ विकेट, इट्स अ सिक्स, 50 हो गई ग्रीन की। भाई मैंने बोला तो ओवर में इनको 3 सिक्स चाहिए होंगे, इसने तो मार दिए 3। अबे एग्जैक्टली 20 मार दिए इसने। देखो लास्ट 5 ओवर का खेल हो गया है चालू, हमको 2 ओवर बहुत अच्छे निकालने हैं क्योंकि एक मेरा एक हार्दिक का है। चलो शॉर्ट बॉल डाल के देख लेता हूँ। देखो बॉल अच्छी डाली मैंने अपनी तरफ से ना, और ये चौका चला गया, लेकिन अब एज लग रहा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 बॉलों पे 10 खा लिया मैंने भाई, ये चौका बचा लियो यार बस। ठीक है अर्शदीप है ना ये? हाँ चलो अर्शदीप, दूर से तो पहचाना जाता है कम से कम। भाई 82 चाहिए 27 पे। हाँ लेट देम टेक सिंगल्स, इट्स फाइन, विकेट आ जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। मतलब एक बुमराह को ओवर भी हो गया ना बढ़िया, मतलब बुमराह का भी एक ही ओवर रहता और वो ही बढ़िया निकल गया तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि 25 बॉल पे इनको 81 चाहिए, विच इज़ लाइक 20 रन्स पर ओवर। एक बढ़िया ओवर और मैच अपना। हार्दिक इज बैक फॉर हिज लास्ट ओवर नाउ, गोइंग फॉर अ स्लोअर यॉर्कर एंड ही इज गोइंग फॉर अ 6 मे बी या विकेट। इट्स अ विकेट, इट्स अ विकेट। भाई मैंने 2 कैचे करी है आज, मैथ्यू वेड आते हुए और पहली बॉल पे 6 मारते हुए। भाई ये कुछ भी करके रन तो मार ही लेते हैं यार, पता है ऑस्ट्रेलिया वाले। अरे बढ़िया बॉलिंग, वैसे इसके पास चॉइनिस भी है। वैसे इस ओवर में सिर्फ 6 रन है, इनको चाहिए कितने? 20 थे। तो हार्दिक ही मैच ना जितवा दे हमको। चलो कितने? 7 हो गए। लो देखो ओवर की एक शॉर्ट बॉल हो गई है पूरी, इसलिए क्या बोलूँ अब मैं, समझ जाओ अब तुम। आई विल गो फॉर अ स्लोअर यॉर्कर अगेन, वील सी हाउ इट गोज। बचा लो, बचा ली यार, बहुत बढ़िया चौका नहीं किया। 66 चाहिए 3 ओवर में, विच इज 22 रन्स पर ओवर। बोलिंग अर्शदीप, और ये पीछे की तरफ खेला मैक्सवेल ने, इट्स सिक्स। हेलो चल एक सिक्स पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, 2 और नहीं पड़ने चाहिए। ओके एक और नहीं पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो ना बात? 15 बॉल पे 54 चाहिए, 15 बॉलों पे 37 मैक्सवेल है बस। अरे हेलो, इस ओवर में 3 सिक्स लग चुके हैं भाई, मत पढ़वा यू आर। 2 और थोड़ी तेज बॉल डाल दे, और वो भी शॉर्ट, मतलब कोशिश करी जितनी वो डाल सकता है डाल दी। 13 पे 47 चाहिए, एक और डॉट आ जाए तो मजा आ जाएगा। यस मतलब सिंगल डॉट बॉल ही यार अभी, समझ रहे हो ना? 46 चाहिए आखिरी के 2 ओवर में, बुमराह आते हुए, इट्स ऑन बुमराह। अगर वो इस ओवर में 15-16 भी पड़वा देते ना, तब भी हमारे जीतने के चांसेस है पूरे पूरे। यस जस्ट अ सिंगल, मैक्सवेल ऑन स्ट्राइक। भाई देखो अब आखिरी के 4 बॉलों पे मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। मैक्सवेल की वैसे 50 हो गई है, मैं सिर्फ डालूंगा यॉर्कर, सिर्फ यॉर्कर। दो भी सही डल गई और एक विकेट निकल गई तो मजा ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना बात? मतलब पहली तो सही डली नहीं, लेकिन तब भी विकेट हो सकती है। यस इट्स अ विकेट, देखो सही काम करा ना बस मैंने। 9 बॉलों पे 39 चाहिए और एक चौका आ जाएगा। 8 बॉलों पे 35, ओके नाइस। 7 बॉलों पे 35, मैं बोलता हूँ इस बॉल पे एक 6 भी लग जाए ना, आखिरी की ओवर में मैं 5 छक्के तो नहीं पड़वाऊंगा। लो चौका है क्या? यस इट्स अ 4। आखिरी ओवर बॉलिंग करेगा कौन? अर्शदीप, और उसका सिर्फ एक ही काम है, 2 डॉट बॉल निकालनी है बस। और 1 डॉट बॉल निकाल लेगा वो तो मैच अपना ही हो जाएगा, सुपर ओवर होगा। मतलब कैच 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 कैच। लो नाउ स्टार हैज टू हिट 5 सिक्सेस टू हैव अ सुपर ओवर, जो कि नहीं हो पाएगा। एंड वी हैव वन द मैच, और ये आखिरी बॉल मैच जीत गए। अरे चलो मिसफील्ड हो क्या जा रहा है, उनसे बने सिर्फ 203। और ओजी टेस्ट सीरीज की विल्टी आ रही होगी, देख लेना। आई विल सी यू इन द सेमीफाइनल नाउ।